खबर देवरिया जनपद से, जहां देवरिया वार्ड नंबर 4 से सभासद प्रत्याशी श्यामा देवी ने कहा कि मैं आप सभी के बीच की प्रत्याशी हूं। आपने हमें बहुत आशीर्वाद दिया, आपने हमें प्रधान बनाया कि मैं विकास कर सकूं। अब चूंकि नगर पालिका में यह वार्ड आ चुका है, जो विकास कार्य बाकी है, अगर आपने आशीर्वाद दिया तो अधूरे कार्यों को मैं पूरा करूंगी। वहीं श्यामा देवी के प्रतिनिधि ने कहा कि इस 4 नंबर वार्ड की सड़के, नाले, बिजली प्रमुख समस्या है, जिसे पूरा करना है। मैं जनता से अपील करता हूं कि आप हमारे चुनाव चिन्ह कुर्सी को वोट देकर हमें विजयी बनाएं। देवरिया जनपद से त्रिभुवन कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। श्यामा देवी वार्ड नंबर 4 से ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसको प्रमुखता से आप जनता के बीच लेके जा रहे हैं। क्या है और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ा? जी, सर्वप्रथम दानापुर की जनता को मेरा प्रणाम। हालांकि कई मुद्दे थे जिनसे हमने निपटने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारा कार्यकाल छोटा होने के कारण उस चीज पर हम समय नहीं दे पाए और समय के अभाव में उन चीजों को कर नहीं पाए। जैसे कि प्रमुख समस्याएं थी, नाली का निर्माण नहीं हो पाया, बिजली के पोल यानी कि खंभे नहीं लग पाए, तो हमारे मुख्य मुद्दे हैं कि उचित सड़कों का निर्माण। हालांकि सड़कों का निर्माण हमने पूरी तरह से करने का प्रयास किया और काफी हद तक उसमें हम सफल भी रहे जनता के आशीर्वाद से, और इस बार हम पूरा नालियों का निर्माण एवं बिजली के पोलों जिसका अलॉटमेंट हमने ले लिया था अम्बेडकर पार्क के लिए, और हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य वही रहेगा कि वापस जीतने के बाद हम उस चीज को पूर्ण करने में पूरी कोशिश करें। और हालांकि जैसे कि इस बार ये ग्राम सभा से नगर पालिका में आ गया है, तो हम अपनी आवाज ज्यादा से ज्यादा ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। तो युवा जिसका अलॉटमेंट हमने ले लिया था अम्बेडकर पार्क के लिए, और हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य वही रहेगा कि वापस जीतने के बाद हम उस चीज को पूर्ण करने में पूरी कोशिश करें। और हालांकि जैसे कि इस बार ये ग्राम सभा से नगर पालिका में आ गया है, तो हम अपनी आवाज ज्यादा से ज्यादा ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। तो युवाओं के रोजगार हेतु हम अपनी बात नगर पालिका में रखने का पूरा कोशिश करेंगे, तो उनके रोजगार प्रदान करने की हर संभव प्रयास करेंगे। जी, वार्ड संख्या 4 से जनता ने अब तक हमें 2 बार जिताया, 2 बार आशीर्वाद दिया, और 1 बार और हम अपने बाकी बचे कार्यों को पूर्ण करने के लिए जनता का आशीर्वाद यूं वोटों के आकांक्षी हैं, और उम्मीद करते हैं कि जनता पुनः हमें आशीर्वाद देकर वापस अपने नेतृत्व का मौका प्रदान करेगी। हम नंबर 8 से श्यामा देवी प्रत्याशी सभासद के लिए लड़ रहे हैं। मेरा जो भी काम पूरा नहीं हुआ उसी के लिए मैं चुनाव लड़ रहे हैं कि जनता मुझे भारी से भारी मत से चुनाव जिता दे, जो काम हम पूरा कर। और एक काम हमारा और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट है कि हमारे समय अम्बेडकर पार्क पर जमीन अलाट हुआ है, आदेश मिल गया है, ठीक है, नगर पालिका का चुनाव होने से काम रुक गया है, उस काम को कराने का बहुत हमको शौक है। मेरी कुर्सी चुनाव चिन्ह है, लोग जिता दे तो उतना काम हम अपना